की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए सितंबर 2022 का जो महीना है कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं जो गोचरीय स्थितियां हैं वो आप लोगों के लिए क्या कह रही है। तो सबसे पहले अगर आप गोचर को देखेंगे, सूर्य की बात करते हैं, सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहेंगे, शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे शुरुआत में, बाद में 24 सितंबर को कन्या में चले जाएंगे। मंगल वृषभ में रहेंगे, गुरु मीन राशि में वक्री है और शनि मकर में वक्री है। इसी तरह से चंद्रमा 1 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थिति है। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के लिए जो स्थिति रहेगी, गोचरीय स्थितियां आपको इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं और अब आपको रिजल्ट क्या क्या मिलने वाले। तो सबसे पहले हम बुध से स्टार्ट करते हैं। बुध का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो बुध वक्री हो रहे हैं और 10 सितंबर से वक्री होने जा रहे हैं, इनके साथ सूर्य भी युति करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो घर का काम है, परिवार में जो भी आपके कोई कामकाज है, प्रॉपर्टी का कोई काम है, उसको आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसी तरह से बुध यहाँ वक्री हो रहे हैं, मुख्यतः आपका जो फोकस रहेगा अपने घर से जुड़े हुए कार्यों और जॉब पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वक्री हो रहे हैं तो निश्चित ही आपको कोई ऐसा डिसीजन होगा जिसको चेंज करना पड़ सकता है या कोई डिसीजन आपको नया लेने के लिए भी मौका मिल रहा है। तो यहाँ जो बुध की स्थिति है, बुध 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहने वाले, तो लगभग आपके लिए सितंबर का पूरा महीना ही वक्री काल में गुजर जाएगा। ऐसे में थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर भी आपको दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं, और जो वाणी है आपकी, वाणी और आपकी बुद्धि दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी या आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हो सकता है कई बार आप कुछ जैसे सोच रहे हैं वो डिसीजन आपके सही नहीं होंगे। कई कई बार आपको अपने जल्दबाजी में डिसीजन जो लिए हैं उनको बदलना पड़ सकता है। तो ये बुध का जो वक्री काल है वो आपको समय दे रहा है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए। जो भी पहले डिसीजन लिए हैं उनको एक बार आप बदल सकते हैं। इसके साथ ही बुध आपकी कुंडली में, क्योंकि वो चतुर्थ के ही स्वामी हैं, ऐसे में घर का सुख, घर के सुख से लगाकर अगर हम देखें इसको, इस वक्री काल को, तो कहीं ना कहीं घर के सुख में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। फिर यहाँ पर सूर्य भी आ रहे, तो ऐसे में बुध का प्रभाव यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रभाव तो आपको यहाँ पर पूरा ही देखने को मिलेगा। तो घर के सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से बुध आपके 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे वक्री होकर, तो जॉब में कोई ना कोई बदलाव, और यहाँ गुरु भी खुद वक्री है, ऐसे में कोई ना कोई बदलाव नजर आता है। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए कोई एक अच्छा चांस भी बन सकता है जॉब के मामले में। तो बुध का गोचर ओवरऑल एक बहुत बड़ा रोल आपके लिए प्ले करने वाला है। इसी प्रकार से बुध वक्री है तो आपको चरम रोग से संबंधित या दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू को भी ये प्रभावित करेंगे, यानी आपका जो रिजल्ट होगा इंटरव्यू का वो भी प्रभावित होगा। तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप बुध मार्गी होने के बाद इंटरव्यू देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके कुंडली में दूसरे घर के स्वामी बनते हैं, इनका गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा शुरुआत में। ये समय में देखिए प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर पहले से किसी का कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो अचानक वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर आपकी रुचि इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे, और चंद्रमा का केतु के साथ युति होने की वजह से मन में कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं, नेगेटिव विचारों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह से आपको जो संतान है, संतान के प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा इस मंथ में, और कहीं ना कहीं आप अपनी संतान की एजुकेशन, इनके बारे में भी काफ़ी सोचेंगे। इसी तरह से दूसरे घर के स्वामी पंचम में आ रहे हैं तो आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है इस महीने की शुरुआत में, धन संबंधी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं उनसे आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी तरह से आपने कोई क्रिएटिव स्किल है तो उससे भी फायदा होगा, लेकिन यहाँ केतु प्रभावित कर रहे चंद्रमा को, तो इसलिए आपका लाभ बहुत ज़्यादा ना होकर कम ही हो सकता है। अब चंद्रमा केतु के साथ युति कर रहे हैं तो ये समय में आप अगर मेडिटेशन करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब चंद्रमा की जो दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पर भी है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा काम जिससे आपको धन लाभ हो रहा है या आप धन कमा रहे हैं कहीं से,
उसके लिए आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसके बाद देखिए चंद्रमा अपना जो इनका गोचर है, 2-2.5 दिन 3 दिन का गोचर है, ये करते हुए ये आगे बढ़ेंगे और कुल मिलाकर 4-5 तारीख को लगभग ये प्रवेश करेंगे आपके सातवें भाव में। तो सातवें भाव में जब ये प्रवेश करेंगे ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ से अब सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं, यानी आपके तीसरे भाव में, और इनके साथ शुक्र भी रहेंगे। तो शुक्र क्योंकि यहाँ पर 24 सितंबर को कन्या में आ रहे हैं, इसलिए सूर्य और शुक्र की यहाँ युति रहेगी। ये वजह से आपका देखिए कहीं ना कहीं कोई काम है, ऐसा हिम्मत वाला काम जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है, या आपको बहुत अच्छे से कोई मैनेजमेंट करना पड़े कहीं पर, तो वो काम आप कर सकते हैं। सूर्य शुक्र का साथ है तो आपकी कोई क्रिएटिव स्किल है आप में, कोई ऐसा मान लीजिए क्रिएटिविटी ऐसी है किसी काम में जो आपको करनी है, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम है जहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको एक बड़ी सक्सेस यहाँ मिल सकती है। सूर्य आपके तीसरे घर का आपको काफ़ी हिम्मत देगा काम करने के लिए। ये समय में कुछ ट्रेवल भी हो सकती है और ट्रेवल के समय आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। आपके हो सकता है कि फॉरेन टूर भी हो सकता है आपका, क्योंकि वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। इसी तरह से सूर्य का और शुक्र का युति है तो ये समय में थोड़ी मैरिड लाइफ जो है आपकी प्रभावित रहेगी और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऊपर थोड़े हावी रह सकते हैं। इसी तरह से सूर्य आपका तीसरे घर में जब तक है तो तब तक आपको कोई मैनेजमेंट या कोई ऐसी कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं या ऐसा कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस मंथ में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सूर्य के तीसरे घर में होने से पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ कुछ रिश्तों में आप ईगो फेस कर सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है। नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से भाग्य का आपको साथ काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और आपके किसी काम की वजह से, आपके भाई बहनों के किसी काम की वजह से आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। अब सूर्य उसके बाद कन्या राशि में आ जाएंगे, तो कन्या राशि में ये आएंगे 17 सितंबर के बाद, यानी लगभग आधे महीने के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे और बुध यहाँ पहले से वक्री हैं। ऐसे में सूर्य आपके इस पूरे भाव को प्रभावित करने वाले हैं, सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा। तीसरे घर के स्वामी होकर सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो बुध का वक्री प्रभाव है उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत ही कम मिलेगा और सूर्य का रिजल्ट यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से घर के कार्यों में आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे, हालांकि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ आपको बार बार सोचना पड़ सकता है, डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है घर के कार्यों के लिए, लेकिन आप जो आपकी शारीरिक क्षमता है, जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसी तरह से आपकी माताजी की हेल्थ के लिए सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ सूर्य का आना परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी बहुत ईगो की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, इस वजह से जॉब में कोई ना कोई चेंज संभव है। अगर अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिल सकता है। साथ ही सूर्य का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपको सरकारी क्षेत्र से बहुत कोई लाभ मिल सकता है यहाँ पे, और गुरु यहाँ वक्री हैं तो इस वजह से कोई ना कोई चेंज अवश्य नज़र आता ही है। तो आप कोशिश कर रही है थोड़ा सा ट्राई कीजिए यहाँ पर, और आपको हो सकता है अगर सरकारी नौकरी मिलती है सूर्य के इस एस्पेक्ट की वजह से तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा, यहाँ पर जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर सिंह राशि में ही होगा। 24 सितंबर को फिर ये चौथे घर में आ जाएंगे आपके और नीच के हो जाएंगे यहाँ पर। तो तीसरे घर में जब तक शुक्र है, आपका कोई पड़ोस में किसी से प्रेम संबंध बनना या पहले से प्रेम संबंध है तो वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा, ये स्थिति बन सकती है। शुक्र तीसरे घर में यहाँ सूर्य के साथ भी रहेंगे, ऐसे में मैंने जो पहले आपको बोला है सूर्य वाले गोचर की अभी हम बात कर रहे थे, तो वो रिजल्ट भी आप लोगों के लिए रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से शुक्र का यहाँ आना एक पड़ोस में एक अच्छा माहौल क्रिएट करेगा और आप अगर कोई भी काम कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या टेलीविज़न जो चैनल हैं, टीवी चैनल्स, उनके ऊपर मीडिया के थ्रू आप कोई काम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शुक्र आपके
नवम भाव को देख रहे हैं, तो नवम भाव को देखने की वजह से भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह से देखिए जो शुक्र है वो आपके पंचम के स्वामी है, और पंचम में क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा भी गोचर करेंगे और शुक्र आपके 12वें घर के भी स्वामी है, ऐसे में देखिए कोई टूर की संभावना बनती है। जब तक सूर्य और शुक्र की युति रहेगी तब तक कोई विदेश यात्रा होना, कोई टूर होना, कोई लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना जरूर बनती ही है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शुक्र का गोचर जो कि कन्या में होगा तो ये यहाँ पर प्रवेश करेंगे 24 सितंबर को। 24 सितंबर को इनका प्रवेश जैसे ही होगा ये नीच की स्थितियों में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुध फिलहाल है तो यहाँ जो बुध का प्रभाव है, देखिए बुध यहाँ पर 2 अक्टूबर तक वक्री है, ऐसे में जो नीच भंग की स्थिति है वो पूरी तरह से आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी महसूस हो सकती है आपके घर की सुख में, या जो लोग मैरिड हैं उनको मैरिड लाइफ में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिले, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा शुक्र यहाँ नीच की स्थितियों में आएंगे तो आप घर के कार्यों के लिए कोई अनर्गल फालतू का खर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखिए अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इनका गोचर लगभग इस मंथ में यही रहेगा, तो वृषभ में इनका गोचर है, छठे भाव के स्वामी है और ये स्वामी है आपके लाभ स्थान के भी। तो देखिए फालतू में कोई ना कोई खर्चा होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप लाभ की स्थितियों की बात करें तो आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि राहु जो कि लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 12वें घर में, तो जो फॉरेन से कोई भी इनकम अगर आएगी आपको उससे लाभ हो सकता है, बाकी और कोई भी यहाँ पर लाभ नहीं दिखता। 12वें घर का मंगल है तो किसी और से आपके रिलेशनशिप बनना, विशेषकर स्त्रियों के अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ कहीं ऐसा अट्रैक्शन होना या रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा 12वां मंगल है तो आपका झगड़ा अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। तो ये जो मंगल है गोचर से आपको मांगलिक बना रहे हैं, इसी तरह से ये कहीं ना कहीं आपके जो तीसरा घर है इस पर भी दृष्टि डाल रहे, तो ऐसे में आपकी जो हिम्मत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हो सकता है कि आपके कुछ प्रयास असफल भी रहें, क्योंकि 12वें घर में मंगल है तो आपकी जो हिम्मत है वो तो बहुत ज़्यादा होगी बट उसका लॉस हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो हिम्मत आपके काम नहीं आएगी। मंगल की दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ रही है, छठे घर पर पड़ रही है तो छठे घर से संबंधित कार्यों के लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही देखिए आप इस समय कहीं ना कहीं से लोन ना लें, अगर आपको फायदा होता है तो विदेश से ही ज़्यादा फायदा हो सकता है धन संबंधी मामलों में, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। अगर आप इस समय लोन वगैरह ले लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल की जो स्थिति है कुछ मामलों में काफ़ी अच्छी है, कुछ मामलों में काफ़ी खराब हम मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु का गोचर देखिए, गुरु आपके दशम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हो या फिर पार्टनर की हेल्थ, तो इन सब से संबंधित आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी तरह से आपका जो बिजनेस है अगर उससे कोई इनकम हो रही है आप लोगों को, या आपने अभी भी स्टार्ट किया है तो थोड़ा अभी स्लो रहेगा, आपका काम इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। गुरु यहाँ पर जब तक वक्री है तब तक आपको ना तो दशम भाव का ढंग से रिजल्ट मिल पाएगा ना ही सप्तम भाव के कार्यों का, तो इन कार्यों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप थोड़ा अगर और वेट करें गुरु के मार्गी होने तक, तो आपके फिर जो सारे काम जो अटकेंगे इन भावों से संबंधित वो बनने लगेंगे। अब मेन बात यह है कि गुरु आपके जो पंचमेश यानी जो पंचम दृष्टि ये डाल रहे हैं आपके दूसरे घर पर, तो दूसरे घर का स्वामी आपके 5वें भाव में, ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है आपके लिए धन से संबंधित प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व होने वाली है गुरु के मार्गी होने के बाद, तो आप ये मान सकते हैं गुरु के मार्गी होने तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको धन संबंधी स्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए तो आपको वेट करना चाहिए। इसी तरह से आपका कोई नया बिजनेस हो, फिलहाल कुछ आपको स्टार्ट करना हो, अभी भी आपके लिए मौका है जब तक गुरु मार्गी नहीं हो जाते। तो वक्री गुरु में जॉब में मैंने बोला है कि आपको चेंजेस आएंगे, इसके अलावा आप अपने कोई भी प्लान कर सकते हो, प्रोफेशनली कोई आप कुछ नया करने का सोच रहे हो तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई नई प्लानिंग करनी चाहिए इस समय में। इसके साथ ही गुरु वक्री होकर चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो चौथे घर को देखने की वजह से कहीं ना कहीं इस घर को भी ये प्रभावित जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य का गोचर होने की वजह से
उतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा या आपके यहाँ के कार्य हैं वो ज्यादा नहीं रुक पाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बन सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है छठे घर पे ही पड़ रही है, तो आपको ज्यादा संघर्ष करवाएंगे इस समय जॉब के लिए, या आपको अपना जो डेली रूटीन है उसके लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो गुरु का जो गोचर है, गुरु जब तक मार्गी नहीं हो जाते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं तो आपको जॉब लगेगी गुरु मार्गी होने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। तो शनि देखिए आपके नवम और अष्टम के स्वामी खुद वक्री हैं, ऐसे में शनि का जो प्रभाव होगा यहाँ पर ज्यादा नहीं रहेगा, तो आपका ये जो अष्टम भाव है वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। जैसे ही शनि यहाँ मार्गी हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आपके जो प्रभाव हैं इस भाव के कहीं ना कहीं आपको धीमे देखने को मिलेंगे। तो जब तक आपके शनि वक्री स्थिति में है तब तक आपको कोई दुर्घटना होना, चोट लगना, ऐसी स्थितियों के रिजल्ट काफी फास्ट मिलेंगे। ये समय में आपका प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है, अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ कोई विवाद है, या पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है, वो सुलझ सकता है और आपको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। शनि आपके नवम के स्वामी होकर अष्टम में है, तो इतना ज्यादा फायदा आपको भाग्य से नहीं मिल पाएगा। भाग्य का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिलने से आपके कुछ कार्य अटके हुए रह सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर गुरु भी वक्री चल रहे गोचर में, इस वजह से थोड़ा आपको सावधानी रखनी ही है। अब देखिए हम अगर बात करें तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, और दशम में खुद गुरु वक्री स्थिति में, ऐसे में ये महीना सितंबर के महीने में जॉब वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को फिलहाल आ सकती है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर राहु और केतु की। देखिए राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। और केतु जो कि पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि का राहु उतना अच्छा होता नहीं है, और आपका अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेकर सावधान ही रहना चाहिए। इसी तरह से केतु जो कि पंचम में है, संतान पक्ष को लेकर कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। केतु आपके लाभ के लिए ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी का वर्क है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जब तक यहाँ पर केतु है तब तक आपको कुछ पंचम भाव के कार्यों से बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हो सकती है, तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब लगभग हमने चर्चा कर ली है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छे दिन रहने वाले हैं 8-9, उसके बाद 14-15 और 24 से लेकर 28 तारीख तक, ये दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में सितंबर में काफी अच्छे बीतेंगे। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य संपादित कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ खराब दिनों की, जहां पर अगर हम देखें तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब स्कॉर्पियो में होगा तो 6 और 7 को ये समय में किसी से भी आप विवाद मोल ना लें। अगर आप विवाद मोल ले लेते हैं, झगड़ा किसी से हो जाता है, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी तरह से ये 2 दिन में कहीं से उधार पैसा नहीं लेना, अपने कार्य पर सबसे ज्यादा ध्यान इन 2 दिनों में आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से ये 2 दिन में कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, फालतू के कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। जब चंद्रमा का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में होगा 10 और 11 को, तो ये स्थिति आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगी और काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन मिलने के भी संकेत मिलते हैं, लेकिन धन का लाभ आपको इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जब चंद्रमा वृषभ में गोचर करेंगे 19 और 20 को, ये समय में आपका लिया गया कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकता है। ये ऐसा समय है जब हेल्थ को लेकर तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो ही सकती है, इसके अलावा आपको जो आपका रूटीन है उसकी वजह से भी काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये 6 दिन आप लोगों के लिए ऐसे हैं मिथुन लगन वालों के लिए जहां पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, बाकी ओवरऑल आपके लिए पूरा महीना काफी अच्छा जाने वाला है। तो फिलहाल हमने सभी चर्चा कर ली है, फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।